रेडमी पोको का कोई सा भी डिवाइस है, ठीक है, अगर आप उसका बूट लोडर अनलॉक करना चाहते हो तो आप उसका बूट लोडर कैसे अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है पहले, लेकिन मुझे बहुत कमेंट आया, भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, एक दूसरा वीडियो और बनाइए आप, ठीक है। क्योंकि उस टाइम मेरे मोबाइल का, मेरे पास जो रेडमी नोट 5 प्रो मोबाइल था उसका मैंने ऑलरेडी बूट लोडर अनलॉक कर रखा था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, वैसे मैंने पूरा अच्छी तरह समझाया, लेकिन फिर भी कमेंट करे तो सोचा मैंने कि एक वीडियो और बना दूं, ठीक है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप, ठीक है। आप अगर वीडियो पूरा देखोगे तो समझ में आएगा, अगर वीडियो आप पूरा देख लोगे तो इसके अलावा आपको कोई दूसरा और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगा, वीडियो आप पूरा देखिएगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मेन बात एक ये ध्यान में रखनी है, ठीक है, आप जिस मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक कर रहे हो उसके अंदर एक सिम होना चाहिए, उसके अंदर नेट होना चाहिए, ठीक है। आपको मी अकाउंट भी उसी सिम से लॉगिन करना है, ठीक है, उसी सिम से आपका मी अकाउंट होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जैसे कि आप शाओमी का जो सर्वर होता है उसके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो इजीली, ठीक है। अगर आप वाईफाई से करोगे तो वाईफाई से नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसलिए आपको अपने मोबाइल के अंदर सिम रखनी है और उसके अंदर नेट होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ठीक है, मोबाइल में सिम डाल देनी है और आपका नेट है जो भी है आपको ऑन कर देना है, ठीक है। ऑन करने के बाद में आपको क्या करना है, मोबाइल के आपको सेटिंग में जाना है, ठीक है, आप देख सकते हो जैसे मोबाइल की सेटिंग में जाना है आपको, ठीक है। अगर आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं है तो आपको डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना होगा, MIUI वर्जन के ऊपर आपको इसमें देख सकते हो 7 से 9 बार टैप करना होगा, ठीक है। आप देख सकते हो डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो चुका है, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, सिंपल सी सेटिंग में जाना है आपको, ठीक है, आप देख सकते हो आपको सेटिंग में जाना है, ठीक है, और आपको इधर नीचे आना है एडिशनल सेटिंग में, ठीक है, और आपको इधर नीचे आना है, डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हो आप, ठीक है, आपको इसके अंदर जाना है, ठीक है। आपको इसमें क्या क्या ऑप्शन इनेबल करना है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो ये है OEM अनलॉक, ठीक है, आपको सबसे पहले इसको इनेबल कर देना है, ठीक है। आपके सामने इस तरह का नोटिफिकेशन आ सकता है तो आपको इसको सिंपल से इनेबल कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको मैं दिखा देता हूँ मेरा बूट जो भी है डिवाइस का बूट लोडर क्या है, जो देख सकते हो आप, दिस इज ए इज लॉक, दिस इज ए फोन सिक्योर, ठीक है, लॉक हो रखा है, ठीक है। तो सिंपल से आपको इनको ऑन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको नीचे आना है, ठीक है, USB डेबगिंग, ठीक है, इसको भी आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। ऑन करोगे तो आपको इस तरह का वार्निंग वगैरह मिल सकती है, तो आपको सिंपल सी एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको दो ऑप्शन ये होगा, USB डेबगिंग इसको ऑन करना है और उसके बाद में OME अनलॉक इसको आपको ऑन कर लेना, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ से काम खत्म हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में आपको बैक जाना है, ठीक है। बैक जाने के बाद में आपको क्या करना है, वापस सेटिंग में चलना है, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपल सी मी अकाउंट में जाना है, ठीक है। आपको मी अकाउंट उसी सिम से लॉगिन करना है जो आपके मोबाइल में है और उसमें नेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरे नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, मी अकाउंट में इसको लॉगिन कर लेता हूँ। जो भी आपका नंबर वगैरह है आप वहाँ पर डाल के इसको नेक्स्ट करोगे, ठीक है, तो आपको अलाउ परमिशन मांगेगा, आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद में सिंपल सी एक OTP आएगी, ठीक है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। OTP फिलहाल आई नहीं है, जब तक वीडियो को मैं पॉज कर लेता हूँ, ठीक है। जैसा कि आपका जो भी पासवर्ड वगैरह है आपको डाल के साइन इन कर लेना है, ठीक है। आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट बना सकते हो, बाकी आपका जो पहले का अकाउंट है आप उससे लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। आपको इसमें एक तो फाइंड डिवाइस ऑन रखना है और स्कैन का आपको ऑप्शन, ये सब कुछ इसमें ऑन रखना है, ठीक है, ठीक है। जो कि आपकी जो आईडी होगी उसमें लॉगिन हो जाएगा, इस तरह का आपको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है, अलग अलग पे आपको ऑप्शन पे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको सिंपल से क्या करना है, अकाउंट स्कैन के ऑप्शन में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सभी को स्कैन करना है यहाँ पे, ठीक है, ये सिंक ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना है, ठीक है, इसको सिंक कर लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे क्लाउड के ऑप्शन पे जाना है आपको, ठीक है, आपको यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको सब ऑफ मिलेंगे तो आपको इनको सबको ऑन कर लेना है, ठीक है, इन सबको आपको ऑन कर लेना है ताकि ये मी सर्वर के साथ कनेक्ट हो सके, मैसेज वगैरह जो भी है सबको आपको
ऑन कर लेना यहाँ से, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो, आपको सबको इसमें ऑन ऑन कर लेना, मैसेज वगैरह जितने भी आपको सबको यहाँ पे ऑफ मिलेगा तो आपको सबको उसको ऑन कर देना, ठीक है। इस तरह से ऑन करके आपको एक बार सिंक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो इस तरह का आपके सामने स्कैनिंग होगी ताकि ये मी सर्वर के साथ कनेक्ट हो सके, ठीक है। अगर आपके मोबाइल में डेटा वगैरह ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम ले सकता है, बाकी आपकी कुछ डाटा वगैरह ज़्यादा नहीं है तो कम टाइम में आपका शाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप बूट लोडर अनलॉक करने से पहले आपका डाटा जो भी है मोबाइल में उसका बैकअप ले लेना, क्योंकि मोबाइल पूरा रीसेट हो जाएगा, ठीक है। आप समझे हो, मोबाइल पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, मोबाइल में जितने भी आपका बैकअप वगैरह है, फ़ोटो वगैरह, तो आपको उसका सिंपल सी बैकअप ले लेना है, ठीक है। स्कैनिंग हो रहा है, ठीक है, मैं होने देता हूँ इसको, जो भी टाइम लगे आपके सामने, ठीक है। आप देख सकते हो ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में आपको क्या करना, फिर से आपकी सेटिंग के अंदर जाना है, ठीक है। आप देख सकते हो सेटिंग के अंदर आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद में आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है, उसके बाद में आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर मी अनलॉक स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे आपको एग्री करना, और आपको यहाँ से मी अकाउंट कनेक्ट करना है, इसके साथ ऐड करना है, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है। आप देख सकते हो ऐड सक्सेसफुल मी अकाउंट, ठीक है। इस तरह से आपको इसको ऐड कर देना है, ठीक है, ये ऐड हो चुका है सक्सेसफुल, ठीक है। अब बाहर आते हैं, इससे पहले आपको एक बार सब कुछ चेक कर लेना है आपके डिवाइस में, ठीक है, जो आपने मी अनलॉक वगैरह जो भी आपको किया, एक बार आप सबको सिंपल से चेक कर लेना है, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। इसको आपको ऑन कर लेना है, ठीक है, और आपको सिंपल सी यूएस डेबगिंग इसको भी ऑन कर लेना, ये आपके ऑन हो चुकी है, ठीक है। ये आपने ऐड कर लिया वैसे, ठीक है, आप देख सकते हो इस तरह से आपको फ्री फेयरिंग का ऑप्शन आएगा, उसके बाद में ऐड सक्सेसफुल, ठीक है। अब आपका मोबाइल का काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब मोबाइल को क्या करना, फास्ट बूट मोड में आपको लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर पर ले चलता हूँ, कंप्यूटर पर आपको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्यूटर पर चलते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पीसी के ऊपर आ जाना है, फिर आपको शाओमी बूट लोडर अनलॉक का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है। शाओमी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आप जाओगे मी फ्लस अनलॉक टू डाउनलोड, डाउनलोड करने के बाद में उसको आपको सिंपल सी इस तरह से ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप ओपन करोगे, इस तरह का आपके सामने ऑप्शन आता है, तो आपको इसको सिंपल सी क्लोज वगैरह कर देना है, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो। फिर आपको यहाँ पर मी आईडी डालना है, जो भी आपका मी आईडी वगैरह है वो डालना है, जो आपके डिवाइस में था, अब आपको उसको यूज़ किया था वही Xiaomi की मी आईडी डालना है, जो आपके मोबाइल का आप बूट लोडर अनलॉक कर रहे हो उसमें जो लॉगिन आईडी है, जिससे आपने अभी ऐड अकाउंट सिंक वगैरह किया था, वही आईडी इसमें डालनी है आपको, सेम आईडी और पासवर्ड, ठीक है। तो आपका पहले अगर अकाउंट बना हुआ है तो आपको साइन इन करना, अगर नहीं करना हो तो आपको साइन अप करना है इस तरह से, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आगे कंट्री कोड वगैरह, मोबाइल नंबर डाल देना, आपका जो भी आईडी वगैरह वो डालना है, आईडी और पासवर्ड डालना है, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरह से कंट्री आपको सेलेक्ट कर लेना है, इंडिया, और आपको प्लस 91 कोड आ जाएगा इंडिया का, नहीं आता तो आप ऊपर सर्च कर सकते हो नाम वगैरह, ठीक है। तो आप देख सकते हो इंडिया आ चुका है, मैंने कर दिया है, अब मैं मेरा पासवर्ड वगैरह डाल रहा हूँ, उसके बाद में आप साइनिंग पे करोगे तो ये मी सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरह का आपके सामने ऑप्शन आएगा, चेकिंग फॉर मी अकाउंट है परमिशन, ठीक है, परमिशन ले रहा है ये Xiaomi के ऑफिशियल अकाउंट से, ठीक है। उसके बाद में आपका डिवाइस को क्या करना, फास्ट बूट में आपको उसको कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। फास्ट बूट में कनेक्ट करना है उसको, आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना है, तो आपका डिवाइस फास्ट बूट मोड में आ जाएगा, और यहाँ पे आप जैसे यूएसबी कनेक्ट करोगे और आपका यहाँ पर डिवाइस कनेक्ट दिखा देगा, ठीक है। जैसा कि आपको पीसी में डालना है और उसके बाद में यूएसबी मोबाइल आपको डिवाइस में लगाना है, ठीक है। आप देख सकते हो अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो पीसी में कनेक्ट हो चुका है, उसके बाद में आपको अनलॉक का ऑप्शन शो कर लेगा यहाँ पे,
जैसे ही आप अनलॉक करोगे इस तरह का परमिशन मांगेगा, आपका सब कुछ डाटा डिलीट हो जाएगा। तो बैकअप पहले ले लीजिए आप डाटा वगैरह का, ठीक है। दो बार परमिशन मांगेगा आपसे ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो अनलॉकिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। अनलॉक होने के बाद डिवाइस ऑटोमेटिक रिबूट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरह कुछ ही मिनटों में आपका डिवाइस अनलॉक हो चुका है। तो अगर इस तरह का आपको वीडियो देखना पसंद है, तो आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट वगैरह आप मुझे कर सकते हो, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।